वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको प्रश्नावली 8.2 क्लास 10 त्रिकोणमिति के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन करने वाला हूं, और आज यह चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद हम अगले चैप्टर में आपको 8.3 बताऊंगा अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग फटाफट इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें, और जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत ही आसान तरीका से हम क्वेश्चंस का सलूशन करके बताएंगे। तो नंबर 3 आपका है कि यदि टेन ए प्लस बी बराबर रूट 3 और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट VVI प्रश्न है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ है। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं कैसे बनाना है। ओके, पहला देखिए, दिखा है चूंकि tan a प्लस बी इक्वल टू क्या लिखा है, √3। tan a प्लस बी बराबर √3, तो आप इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। चूँकि आप लोग को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि tan 60 डिग्री जो होता है वो √3 के बराबर होता है। ओके, इस tan से tan को कैंसिल आउट कर लेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू आपका आ जाएगा 60 डिग्री, इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए ये लिखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो यहाँ से आगे की ओर हम बढ़ेंगे। अब tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ओके, ठीक है ना। तो आगे इसको लिख सकते हैं हम लोग, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30। यहाँ पे हम आपको सूत्र बता देते हैं कि चूंकि tan 30 डिग्री जो होता है वो 1/√3 के बराबर होता है। ओके, इस tan से इस tan को कैंसिल आउट कर लेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन हो गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को सोल्यूशन करेंगे। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो ए में क्या लिखा है, तो ए में आपका लिखा हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और इसमें लिखा हुआ है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। लिख लिया, ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट, a और a मिल क्या हो जाएगा 2a, और 60 30 90। ओके, 60 30 90 हो गया। अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे तो 2 से कटाएंगे तो 45 बार में, कितना बार में 45, तो a आ गया हमारा 45 डिग्री। ये आपका एक आंसर हुआ। ओके, अब क्या कीजिए कि इस ए का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये हमारा समीकरण 1 है। तो यहाँ पे रख देते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो ए का मान क्या है 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो बी बराबर 60 और प्लस 45 जो है इधर आएगा तो -45। ओके, तो बी आपका आ जाएगा 15 डिग्री। तो देख सकते हैं ये आपका तीसरा का फुल सोल्यूशन हुआ, जिसमें एक का आंसर 45 डिग्री और एक 15 डिग्री आया। इस तरह से आपका तीसरा सलूशन हो गया। अब आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 सलूशन कराते हैं। देखिए, आपका 4 नंबर जो प्रश्न है, लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य या असत्य कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है आपका साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि ये और इक्वल, ये दोनों इक्वल है। मान लीजिए कि दोस्तों हम ले लेते हैं, यदि ए बराबर आप लेते हैं 30 डिग्री, ओके, और b बराबर आप लेते हैं 60 डिग्री, कुछ भी ले सकते थे। तो यहाँ पे जैसे ही आप a प्लस बी लिखेंगे तो 30 प्लस 60, इस साइड में आपका साइन 90 हो जाएगा, है ना, और इधर आपका एक जगह हो जाएगा साइन 30,
और एक तरफ हो जाएगा साइन 60। साइन 90 का जो मान होता है 1 होता है और साइन 30 का मान 1/2 और 60 का √3/2। तो इस तरह से ये आगे चल के 1 = 1 + √3/2, ये दोनों जो है आपस में इक्वल नहीं है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है इक्वल है, इसलिए पहला जो है आपका क्या है, असत्य है। ओके, चलिए अब दूसरा देखिए, आपका क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा में वृद्धि होता है। तो देखिए, थीटा जब 0 डिग्री हो तो साइन का मान क्या होता है, 0 होता है। अब अगर थीटा आप लास्ट में 90 रखते हैं तो साइन का मान क्या होता है, साइन 90 पे 1 होता है। तो एक जगह 0 और फिर बाद में 1, ये बढ़ा तो देखिए ये 0 से 90 हुआ तो ये भी 0 से 1 हुआ, बढ़ता है, और ये भी कह रहा है वृद्धि होता है, तो ये सही बात है, इसलिए ये सत्य है। ठीक है, तीसरा देखिए, थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा में वृद्धि होता है। मान लीजिए थीटा लेते हैं 0, तो कॉस आपका 0 पे मान जो होता है वो 1 होता है, लेकिन थीटा जैसे ही 90 लेंगे तो आपको कॉस थीटा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि कॉस 90 पे ये 0 होता है, यानी पहले बेसी और बाद में कम, तो ये कह रहे हैं कि वृद्धि होता है, तो गलत बात है, इसलिए असत्य है। ठीक है, तीसरा नंबर 4 देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। मान लीजिए कि आप थीटा 30 रखते हैं, ओके, तो यहाँ तो आपका साइन 30 हो जाएगा, कुछ भी मान सकते थे, इधर कॉस 30, तो साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, लेकिन कॉस 30 का मान होता है जो √3/2, और ये दोनों जो है आपस में इक्वल नहीं है, तो काट देंगे, तो ये जो हो गया आपका 4 नंबर जो है वो असत्य है। अब देखिए पांचवा है कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। तो देखिए cot, यहाँ पे a का मान क्या लेना है, 0 डिग्री, और cot 0 का मान आता है अपरिभाषित नहीं, और ये भी कह रहा है परिभाषित नहीं है, सही बोल रहा है, इसलिए ये जो है हमारा सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से आपका फुल सोल्यूशन हुआ, और आज की इस वीडियो में हमने आपका क्वेश्चन प्रश्नवाली 8.2 का 3 और 4 पूरी तरह से सोल्व कर दिया। आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट के जरिए ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, आप सभी को धन्यवाद।